नमस्कार, रामावतार द्वारा आपका स्वागत है। लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश। प्रश्न 1 से 50। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करना और ख्याति। प्रश्न 1, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है? उत्तर, साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। प्रश्न 2, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन परिस्थितियों में हो सकता है? उत्तर ए, नए साझेदार के प्रवेश पर, बे, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, से, वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, दे, साझेदार की मृत्यु पर, ई, दो साझेदारी फर्मों के एकीकरण होने पर। प्रश्न 3, नए साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ है? उत्तर, साझेदारी के व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना। प्रश्न 4, नए साझेदार का प्रवेश कब हो सकता है? उत्तर, वर्तमान साझेदारों की सहमति से ऐसा संभव है। प्रश्न 5, एक व्यक्ति फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए कब उत्तरदायी हो जाता है? उत्तर, साझेदार बनने के बाद। प्रश्न 6, नए साझेदार को कौन से दो अधिकार प्राप्त होते हैं? उत्तर, एक, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और दो, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। प्रश्न 7, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, उसे पूंजी कहते हैं। प्रश्न 8, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, उसे ख्याति कहते हैं। प्रश्न 9, नए साझेदार के प्रवेश पर कौन से मुख्य समायोजन होते हैं? उत्तर, एक, लाभ विभाजन अनुपात की गणना, दो, त्याग अनुपात की गणना, तीन, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, चार, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व लेखांकन, पाँच, संचय अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन, और छः, पूंजी का समायोजन। प्रश्न 10, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? उत्तर, नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। प्रश्न 11, नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा किससे प्राप्त करता है? उत्तर, पुराने साझेदारों से। प्रश्न 12, नए लाभ विभाजन की गणना क्यों की जाती है? उत्तर, नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, इस कारण उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है, अतः नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। प्रश्न 13, त्याग का अनुपात किसे कहते हैं? उत्तर, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। प्रश्न 14, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बंटवारा किस तरह होता है? उत्तर, ख्याति का बंटवारा त्याग अनुपात में होता है। प्रश्न 15, त्याग अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात बाकी नया लाभ विभाजन अनुपात। प्रश्न 16, नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उत्तर, नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात बाकी त्याग अनुपात। प्रश्न 17, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो वह पुराने साझेदार के त्याग का विवरण न हो तो त्याग अनुपात क्या होगा? उत्तर, पुराना लाभ विभाजन अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। प्रश्न 18, जिसका वर्णन करना सरल है लेकिन परिभाषा देना कठिन है, ऐसी अदृश्य व्यावसायिक शक्ति का नाम क्या है? उत्तर, ख्याति।
19 वह कौन सी आकर्षण शक्ति है जो व्यवसाय में ग्राहक को लाती है? उत्तर ख्याति। प्रश्न 20 व्यवसाय का मौद्रिक मूल्यांकन क्या है? उत्तर ख्याति। प्रश्न 21 लॉर्ड एलन के अनुसार ख्याति क्या है? उत्तर ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। प्रश्न 22 लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति क्या है? उत्तर ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि में से होने वाला लाभ है। प्रश्न 23 ख्याति की विशेषताएं क्या है? उत्तर ए ख्याति व्यवसाय की अदृश्य शक्ति है। बे ये एक मूल्यवान संपत्ति है। से ये अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होती है। दे ये एक ऐसी शक्ति है जो ग्राहक को उसके पुराने स्थान पर लाती है। और ई इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। प्रश्न 24 ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर एक व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, दो प्रबंध की कुशलता, तीन व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, चार वस्तु की प्रवृत्ति, पांच लाइसेंस का होना, छः एकाधिकार, सात जोखिम की मात्रा, आठ लाभों की प्रवृत्ति, नौ भावी प्रतिस्पर्धा, दस पूंजी की मात्रा और 11 उत्पाद की किस्म। प्रश्न 25 ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है? उत्तर जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है। दो जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तीन जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। चार जब फर्म का व्यवसाय बेचा जाता है। और पांच जब दो फर्मों का एकीकरण हो जाता है। प्रश्न 26 ख्याति कितने प्रकार की होती है? उत्तर दो प्रकार की, एक क्रय की गई ख्याति और दो स्वय अर्जित ख्याति। प्रश्न 27 किसी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है तो ये आधिक्य क्या कहलाता है? उत्तर क्रय की गई ख्याति कहलाती है। प्रश्न 28 क्रय की गई ख्याति कब उत्पन्न होती है? उत्तर यह किसी व्यवसाय को क्रय करने पर उत्पन्न होती है। प्रश्न 29 क्रय की गई ख्याति का लेखा पुस्तकों में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया है। प्रश्न 30 चिट्ठे में ख्याति को किस रूप में दिखाया जाता है? उत्तर संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। प्रश्न 31 एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और यश का मूल्य जो व्यवसाय में सृजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर उसे स्वार्जित ख्याति कहते हैं। प्रश्न 32 क्या स्वार्जित ख्याति का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? उत्तर नहीं, इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। प्रश्न 23 स्वार्जित ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है? उत्तर फर्म के पुनर्गठन के समय। प्रश्न 34 ख्याति की प्रकृति कौन कौन सी है? उत्तर एक संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, दो व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, और तीन आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। प्रश्न 35 ऐसी ख्याति जो संस्था के नाम अच्छी प्रतिष्ठा व अपने माल की प्रसिद्धि के कारण बनी है उसे कौन सी ख्याति कहते हैं? उत्तर संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। प्रश्न 36 संस्था के स्वामी के परिवर्तन का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी ख्याति है? उत्तर संस्थागत या बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। प्रश्न 37 सबसे अधिक मूल्य वाली ख्याति कौन सी है? उत्तर संस्थागत या बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। प्रश्न 38 संस्थागत ख्याति को बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति क्यों कहते हैं? उत्तर क्योंकि ऐसी ख्याति संस्था के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर भी
कम नहीं होती है। जैसे स्वामी के चले जाने पर भी बिल्ली वहीं रहती है, उसी तरह ग्राहक भी पुरानी दुकान आना नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न 39। किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के व्यक्तित्व, कुशलता व व्यवहार आदि के कारण होती है, उसे कौन सी ख्याति कहते हैं? उत्तर, उसे व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। प्रश्न 40। व्यवसाय का मालिक के चले जाने पर भी उसके साथ चली जाती है, उसे कौन सी ख्याति कहती है? उत्तर, उसे व्यक्तिगत या कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। प्रश्न 41। संस्था का स्वामी जहाँ जाता है ग्राहक भी वहीं चले जाते हैं, उसे कौन सी ख्याति कहते हैं? उत्तर, उसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं, जो हमेशा अपने स्वामी के साथ रहती है। प्रश्न 42। संस्थागत ख्याति से किस ख्याति का मूल्य कम रहता है? उत्तर, व्यक्तिगत ख्याति का मूल्य कम रहता है। प्रश्न 43। पैसे वाले व्यवसाय जैसे चिकित्सक, लेखाकार, कानूनी सलाहकार, वकील इत्यादि में होने वाली ख्याति कौन सी है? उत्तर, व्यक्तिगत ख्याति। प्रश्न 44। ऐसे व्यवसाय जिनकी ख्याति स्थिर नहीं रहती है कौन सी ख्याति कहलाती है? उत्तर, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहलाती है। प्रश्न 45। जिस ख्याति का मूल्य छोटी बड़ी घटना के साथ घट या बढ़ जाता है, उसे कौन सी ख्याति कहते हैं? उत्तर, आकस्मिक घटना संबंधी या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। प्रश्न 46। किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से ग्राहकों का लगाव नहीं होता है, वह जिसका मूल्य सबसे कम होता है, उसे कौन सी ख्याति कहते हैं? उत्तर, चूहे के स्वभाव वाली या आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। प्रश्न 47। जो ग्राहक बार बार एक दुकान या व्यक्ति के पास नहीं जाता है, उसका स्वभाव कैसा माना गया है? उत्तर, चूहे जैसा, जो न स्वामी भक्त होता है और न स्थान भक्त, उसका स्वभाव आकस्मिक होता है। प्रश्न 48। ऐसा ग्राहक जो पुराने व्यक्ति से लगाव रखता है, स्वभावतः उसके साथ ही रहते हैं, उन्हें कैसा माना जाता है? उत्तर, व्यक्तिगत माना जाता है। प्रश्न 49। ऐसे ग्राहक जो स्वामी के बदल जाने पर भी उसी दुकान पर जाते हैं, ऐसे ग्राहकों का स्वभाव माना गया है? उत्तर, बिल्ली जैसा, जो स्वामी के चले जाने पर भी अपना घर नहीं छोड़ती है। प्रश्न 50। आप आईने के सामने दिन में कितनी बार जाते हैं? उत्तर, कम से कम 5 बार दर्पण के सामने जाता हूँ। बटुक। धन्यवाद।